वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करेंगे कि आप अपने लाइफ में प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हो ना। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं कुछ काफ़ी टाइम से खुद ही प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने खुद पीछे जाके मेरे वीडियोस देखे, टिम फेरिस वगैरह के वीडियोस देखे, तो मैंने मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी, तो वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे जाकर, और ज़रूर बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको पता लगे जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। नंबर वन टिप है कि प्लीज़ सुबह उठकर 6:30 बजे, 7 बजे, 6 बजे, जितने बजे भी आप उठते हो, अपना फ़ोन मत देखो। मैसेजेस, ईमेल, वो देखते ही हम लोग एक रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं और रिएक्टिव मोड इज़ नॉट गुड फॉर प्रोडक्टिविटी। रिएक्टिव मोड पूरे दिन के लिए अच्छा नहीं है। वी हैव टू बी एक्टिव। हम लोगों को अपने हिसाब से दिन को चलाना, ना कि बाकी लोग जो कर रहे हैं, एंड रिएक्टिव मतलब दिन में जो हो रहा है उसके हिसाब से खुद को चलाना नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ है, फ़ोन को बिना देखे आप अपना मॉर्निंग रूटीन, छोटा सा 5-10 मिनट का मॉर्निंग रूटीन रखो। बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मॉर्निंग रूटीन में आ सकता है आप अपने गोल्स याद करो, इसमें आ सकता है आप छोटा सा जर्नल बना रहे हो, इसमें आ सकता है कि आप जस्ट जाकर बाहर अपने मे बी टेरेस में, बालकनी में थोड़ा सा वॉक कर रहे हो, 1 मिनट, आधा मिनट, इनफ। इतना आपका मॉर्निंग रूटीन इनफ है। तो मॉर्निंग रूटीन का मेन इंपॉर्टेंस है कि आपको एक माइंडसेट में डालता है, एक स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ माइंड में डालता है जहाँ पर आप रेडी होते हो दिन को कॉन्कर करने के लिए। किसी भी कंपटीशन से पहले हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो ये शुरू का जो दिन का 5-10 मिनट है, ये कंपटीशन विच इज़ योर डे के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो नंबर वन हो गया मोबाइल मत देखो, रिएक्टिव मोड में मत जाओ। नंबर दो हो गया कि आप एक मॉर्निंग रूटीन रखो। नंबर तीन, जब आप दिन में अपने टास्क कर रहे हो तब ज़रूर एक छोटा चंक सेट करो, मे बी 1 घंटे का, 1.5 घंटे का चंक जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं है, आप उस चंक में काम करो। एंड अपने फ़ोन पे टाइमर लगाओ। काउंटडाउन टाइमर से आपका ब्रेन क्या होता है, ब्रेन को ऐसा रहता है काउंटडाउन टाइमर लगा है, जल्दी ख़त्म करना है, जल्दी ख़त्म करना है। तो ब्रेन स्टार्ट्स बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव ऑटोमेटिकली। तो वो डेडलाइन की जो पुश है ना ब्रेन को, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ज़रूर टाइमर लगाकर 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, विद 10 to 15 मिनट, 20 मिनट ब्रेक्स में आप अगर काम करोगे तो बहुत बहुत एपिक प्रोडक्टिविटी आएगी। नेक्स्ट टिप है थोड़ा रिलैक्स करना, थोड़े माइंड को रिलैक्स करना। ये चीज़ मैं बहुत बड़ा गिल्टी हूँ इस चीज़ का। पिछले कुछ महीने से मेरा बिजनेस पार्टनर मुझे बोलता आ रहा है कि तू बहुत रिएक्ट करता है, तू ओवर रिएक्ट करता है बहुत सारा काम, बिकॉज काम का लोड इतना है। तो उसको रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रिलैक्स करो। जो काम जब हो जाएगा तब हो जाएगा। एक काम जब चल रहा है उसके बीच में दूसरा काम अगर आता है तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा एंड दोनों काम नहीं हो पाएंगे। दोनों काम करने का तरीका यह है, पहले एक काम को ख़त्म करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो। तो उसमें ओवरवेल्म जो बोलते हैं ना, ओवरवेल्म नहीं होना है। टर्न बाय टर्न, बिट बाय बिट आपका काम करते जाना है। तो थोड़ा दिमाग को रिलैक्स रखना है, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स रखना है। लास्ट टिप अब है बॉडी को रिलैक्स रखने के ऊपर, थोड़ा सा फिटनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिटनेस से डोपामीन, स्पेसिफिक एंडोर्फिन जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं। डोपामीन हो गया, ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस। तो ये आपको एक्चुअली एडिक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है डोपामीन। तो जब हम दारू पीते हैं ज़्यादा या ऐसा कुछ होता है, डोपामीन रिलीज होता है। तो ये जो स्पेसिफिक एंडोर्फिन्स रिलीज होने हैं वो आपका वर्कआउट करने से रिलीज होते हैं, जो आपका ओवरऑल लाइफ एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगा। आप फिटनेस का मतलब ये नहीं है आप जिम जाके बॉडी बना रहे हो, फिटनेस में आप वॉक पे भी जा सकते हो, फिटनेस में आप घर बैठ के कुछ थोड़ा सा योगा भी कर सकते हो। एनीथिंग जो आपके बॉडी को फिजिकली कुछ एक्सरसाइज दे रहा है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मुझे अब पता लगे हैं, जो मुझे एक्चुअली पता थे, बट मुझे अभी रिसेंटली, बिकॉज मैं वापस उस शेड्यूल में आना चाहता हूँ, तो मैं अभी दोबारा पता लगे, तो मैंने सोचा इस बार क्यों नहीं हिंदी में वीडियो बनाया जाए। तो ज़रूर ये टिप्स को फॉलो करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। एंड अगर आपके पास और प्रोडक्टिविटी के टिप्स हैं जिनसे बाकी लोगों का फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर कमेंट में छोड़ दो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, अब से हर हफ्ते वीडियोज़ बनाऊंगा, अगले वीडियो में आपको मिलूंगा, इसमें कुछ नया अच्छा से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चाओ।